गाइस, तो आज है हम लोगों की मेहंदी और टीनू और हम आए हैं हम लोगों की ज्वेलरी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ रेडी नहीं था उस ज्वेलरी में। तो उन्होंने हमको वैसे परसों की डेट दी थी, पर उस दिन नहीं हो पाया था। हम लोग को ईयरिंग्स छोटे करवाने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े थे, कस्टमाइज करवाई हम लोगों ने ज्वेलरी, तो वो अभी हमने पिक करी है। और अभी हम जा रहे हैं टीनू के बैचलर पार्टी जो होती है वो। सो लुक एट अस, हम इस तरीके की ड्रेस में जा रहे हैं बिकॉज घर वाले हम लोगों को निकलने ही नहीं दे रहे थे, मतलब लिटरली निकलने दे रहे थे। हम कैसे कैसे निकल के आए हैं, विक्की हमारे साथ आया, उसने हमको ड्रॉप किया है एंड वो क्या है, लड़के वालों का खाना वाना डिनर विनर सब रेडी वेडी करवाने के लिए, तो उसने हमको ड्रॉप किया है। हम बैचलर पार्टी अटेंड करेंगे और फिर हम लोग घर निकलेंगे और मेहंदी लगवाएंगे। ऑलरेडी 8 o'clock हो चुका है, सो लेट्स सी क्या होता है। To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like. अरे तो सुन रहा था मेरा गाना। आएगा। इसके बाद बंद कर देना। एक नंबर, ये मेहंदी ना, ये सैटिस्फाइड वाली मेहंदी है। हाँ, सही बात है। हाँ ठीक है, ये देखो, ये दुल्हन की बहन, ये दुल्हन की बहन, हाय कर दो, हाय कर दो। वाह। और ये दुल्हन की बहन की बेटी। कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मेहंदी फंक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब मेहंदी लगवाने में फंक्शन क्या, हम लोगों को ये 12:30 आई थिंक 1:15 तक टीनू ने मेहंदी लगवाई थी। और वो जो बच्ची आई थी मेहंदी लगाने के लिए उनको फिर हम ड्रॉप भी करके आए थे बकायदा उनके घर पे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। अब वो तो होता ही है शादी वगैरह में, फंक्शन जो टाइम होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, बट उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एंड अफोर्डेबल मेहंदी लगाई थी, बड़ी प्यारी लगाई थी। Hi guys, good morning. तो आज सुबह सुबह स्यापा नंबर 3 हुआ है, 2 बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो, बट स्यापा नंबर 3 ये हुआ है कि हमारे जो फ्रेंड्स आ रहे थे मुंबई से, उनका फ्लाइट somehow मिस हो गया है। तो आई थिंक मेरे को जो कॉल आया था वो रोते रोते आया था मेरी दोस्त का, उसकी आवाज़ से मैं पहचान गई थी उसका दर्द। तो उसी ने कॉल किया और मैं उठ गई कि फ़्लाइट छूट गई है। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा अब शाम की फ़्लाइट मिल रही है 7 o'clock की, तो मैंने कहा आ जाओ यार, मेन शादी तो वैसे भी कल है तो अटेंड कर लेना शाम की भी। और ये मेरी मेहंदी है यार, जिन लड़कियों से मैंने मेहंदी लगाई थी, ये पहली बार लाइफ में मैं अपनी मेहंदी से सेटिस्फाई हूँ। इतनी प्रिटी मेहंदी लगाई है, बहुत प्रिटी, एकदम बारीक बारीक और फिनिशिंग के साथ लगाई है, अलग अलग डिज़ाइन दिया है सब हाथों में, तीनों की भी बहुत सुंदर, मतलब मैं आपको कॉस्ट बताऊंगी तो आप लोग शॉक हो जाओगे सुन करके, इतना सस्ता और इतना ब्यूटीफुल मेहंदी लगाया। मैं तो वो लोग कॉलेज की लड़कियाँ छोटी छोटी सी थी। तो गाइस अब हम लोग सब निकल रहे हैं वेन्यू के लिए। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मैंने बोला एनजाइटी होती है मुझे तो कि जल्दी सब सारी चीज़ें हो जाए तो मुझे नींद नहीं आने वाली ढंग से। तो अब मैं, वैसे मेरा फेस भी अच्छा दिख रहा है, हल्दी वल्दी सारा प्रोग्राम मेरा एंड एवरीथिंग जो होता है ना, फलदान वलदान, फिर शाम को इंगेजमेंट, संगीत, सब कुछ आज होने वाला है। तो मैं जस्ट अभी रेडी हो गई हूँ, सुबह 8:30 हो रहे हैं, शार वार सब कुछ ले लिया है मैंने और मेरी सारी पैकिंग हो गई है, ठीक है, एकदम टाइम से सब कुछ हो गया है। अब मैं विक्की का आपको सामान बताती हूँ। ये विक्की का ट्रॉली रखा हुआ है बट ये सारा सामान फैला हुआ है। अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि वो ये पैंट पहनने वाला है, सॉरी ये पैंट पहनेगा कि ये पैंट पहनेगा, बोल रहा है मुझे दोनों रख दो, मतलब ये कोई लॉजिक है बोलने का। ये सब उसका सामान फैला पड़ा हुआ है। तो भाई अब तो अपन ने हाथ खड़े कर दिए, इतने मेन इवेंट में भी अगर वो इतना लेट कर सकता है तो फिर जाए। मैं तब तक फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ।
दोनों निकल चुके हैं वेन्यू के लिए। ये दुल्हन। ओके गाइस, तो ये हमारा राउंड टुक कह रही हूँ, टुक था। तो ये हमारा राउंड टू था और अभी जा करके भी वहाँ पर भी हम लोगों को रेडी होना है, क्योंकि पहले लड़के वालों की गणेश पूजन होगी, उसके बाद हम लोगों की गणेश पूजन होने वाली है। तो ये सारा सामान वामान लेकर के बैठी हुई हूँ मैं, पीछे भी हमारा पूरा सामान है, तो मजा आ गया। हाँ, मतलब मैंने लिटरली ऐसा ऐसे इस तरीके सा आंटे, तो मैंने इस तरीके का, मतलब वो जो होता है ना दुल्हन वाला वर्जन, ये फर्स्ट टाइम देखा है, बिल्कुल मूवी स्टाइल वाला। दुल्हन खुद दौड़ा रही है अपनी शादी में इधर से उधर, पता चल रहा है विदाई में भी अपन ही आ रहे दोनों यहाँ सामान उठाने। तो चलिए गाइस, अब हम लोग वेन्यू पे फाइनली जा रहे हैं और मेरा जो वीडियोग्राफर है वो आ गया है, तो अब मेरे को टेंशन नहीं रहेगा ऐसे पकड़ करके व्लॉग करने का। सो दैट इज, हाँ दैट इज अ बिग रिलीफ फॉर मी नाउ। तो अब मिलते हैं आपको डायरेक्टली वेन्यू पे। वी आर राइट नाउ एट वेन्यू और हम लोग आ चुके हैं, तो फटाफट से चेंज करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही लोग आएंगे सट सट गणेश पूजन स्टार्ट हो जाएगी और हम लोगों को तैयार होने का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम लोग जल्दी से रेडी होना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऐसे ही आ गए, जैसे सनस्क्रीन लगाई थी मैंने, तो फेस वॉश करती हूँ और मैंने बाल भी वॉश नहीं करे, क्योंकि अब मैं शाम को बाल वॉश करूँगी, हेयर वॉश करूँगी और कुछ देखती हूँ, कुछ स्टाइल करवाऊँगी या जो भी है। तो यस, ये हम लोगों का रूम है, सो दिस वन एंड दिस वन हम लोगों के हैं, मतलब हम तीनू मेरा और विक्की का, और मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो बुआ आई है, बुआ जी आई है, मतलब जो बुआ सास है वो जो है वो लोग पूरा बाकी का सामान पूजा का और मेन सामान वो लोग संभालने वाली हैं। तो ऐसा हम कर रहे हैं। ये रही मेरी ड्रेस, पिंक कलर में है ये, दिस इज इन पिंक कलर। ये हमारी दुल्हन, ये हमारा सब सामान और यस। हाय, कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक यू। गड्डी पूरी की पूरी डालते हैं, गड्डी तोड़ते हैं, घर में तो जा रहा है यार। इस समय क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ एंट्री करते हैं उनकी हम लोग तिलक लगाते हैं, तो ये प्रोसेस अभी वही हुआ है। हाँ भैया, अच्छे से लेना, क्या छोड़ना मत, ये दूल्हा है, ये दूल्हा, इसको कैप्चर करो, ये दूल्हा है हमारा भाई। दूल्हे ऐसे नहीं घूमते, ऐसे घूमते बट में घूमो इससे। अभी रुको, जरा निकालता हूँ अपना रेबैन का, आता हूँ नीचे। This side देखिए, अभी हम जा रहे हैं दुल्हन के पास, ब्राइड के पास। ओके, क्यों सैम? अरे उसको मेकअप करवा रहे हैं, बैठ गए, अंकल तो यही है। थैंक यू। ये मामा जी हैं। हाँ, ये मामा जी। मैं एकता की भाभी, स्पेशली लेके आए इनके। ओके, रेडी हो गए। टाइम पे शुरू कर दो पूजा। हाँ, बस हो ही रही है, पूजा ही हो रही है, अभी अंदर रहने देते हैं। हाँ, मुझे
भैया, ये हमारे दूल्हे की मामी जी हैं और ये मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। और भैया जिम कर रहे हैं, भैया कल में है और भैया बैठे हुए थे एक जगह पे बातें कर रहा था एक घंटा। आपका फोन बज रहा है, मैं आज जाना हूं खेल खेल के स्कूल जा रहा हूं। मैं तो दो बार ही मंडे भी दिया, पढ़ने की चलो चलो सात नंबर की चाहिए, दो नंबर की चाहिए। हेलो की तो दो वापस से तो दो सुनिए ना ग्राफर सीमा आ जाओ। उनको मैंने 2 बजे बुलाया था। हेलो कहाँ हो? ये हमारी दीदी है खंडवा वाली, बड़ी एक्टिव है। इनके वैसे आप गेस करो कि इनके इनका क्या एज होगी, जब आप इनके बच्चे देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि इनके कितने बड़े बड़े 27 और 25 के इनके बच्चे। इनको देख के लगता है अभी जिस हिसाब का डांस करेंगी बस किलिंग होने वाला है, किलिंग किलिंग। आप कार यही लगा दो भैया, इसमें भी खींच देना। ये अपना दूल्हे जी। अच्छा कुछ नहीं भैया से अभी रखा ही नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है अभी कुछ भी नहीं है। विक्की के अभी तक आते पाते नहीं है, विक्की पता नहीं कहाँ है। जब वो आ गया, वो आ गया, भाई आ गए हैं। इसको रेडी करके लेकर के आती हूँ मैं। क्या बेस्ट फ्रेंड सुन ना, इसको रखवा दे यार। हाय बोलो, ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है। तो सोने नहीं देगी वो, मेरे को पता ही। चल क्यों, क्या करना है इसका? अपने रूम में रख। चलो आया आपके पास चाहिए ना। 9 बजे शुरू होने वाला फंक्शन 12 बजे शादी नहीं हुआ है। क्या बोल रही है? विक्की गया, विक्की हल्दी लिए तैयार हो रहे हैं और इसकी कुछ पूजा हुई है वो खत्म हो गया है। अब बस हल्दी के लोग रेडी होंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाथ लगा लीजिए, मिली सामने देखिए इधर। सही है। ये जैसे मैंने मिक्स किया है ना, हाँ। ऐसे प्लीज सारा मिक्स करवा दीजिए। ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? फटाफट तो हो जाएगा भैया। आप दो लोग निकाल के उसे करता है, लगता है कपड़े ले लेना टेनू।
उनका क्या कोऑर्डिनेशन है वो आप उसके साथ करो, ये रैंडम कराने का काम मैं इन लोगों से करवा देता हूँ बाकी के। पीछे देख ले, तेरी सब तेरी साड़ियाँ लेके जा रही हूँ, जो मिलता था वो लेके जा रही हूँ। एक चाहिए रोशन, आ जा, ये साड़ी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ वो मत करना ना रोशन, ऐसे तो बिल्कुल ऐसे पकड़ना, ठीक है? ये यहाँ हाथ डाल दे, यहाँ हाथ डाल दे बस, ठीक है? भारी था। सूरज लगेगा इन लोगों के लिए। अच्छे तो नहीं लगते, पता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मालूम नहीं लगा। भैया मेरी तरह है। लगा 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 लगा। उसको सर्दी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा है। हाँ उसको लगा नहीं, लगा लगा लगा। दीदी देखो, दीदी मेरे को भी सर्दी है, लगा उसको मेरे लग गया, लगाते हुए सामने देखिए ना। दीदी आप भी आ जाओ, रेडी।